अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो टाइमिंग के लिए अपनी मिसाल आप है। लेकिन अगर आप टाइमिंग के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ बातों का जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंसान की टाइमिंग उस वक्त तक डिस्टर्ब नहीं होती जब तक इंसान जो है वो कसरत मुबाशरत ना कर ले, या कसरत से मुश्तजनी ना करे, मेदे मसाने जिगर में गर्मी का होना, मादा तौलीद का जो है बिल्कुल हद से ज़्यादा पतला हो जाना, मैदे का ख़राब होना, ये भी जो है आपकी टाइमिंग का सबब बनता है। तो उसके लिए अगर आपको कतरे आते हैं, तो सबसे पहले आप अपने कतरों का इलाज करवाएं। अगर आपके जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैदे मसाने जिगर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसका इलाज करवाएं। अगर आपके मैदे मसाने जिगर में गर्मी नहीं है, थोड़ी है, और आपको कतरे नहीं आते, तो उसके लिए भी नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे पास जो चीज़ है, इसका नाम है सुंड। ये सुंड है, ये जो बाज़ार से सुंड मिलती है वो नहीं, ये हमारी अपनी तैयार की हुई सुंड है। सबसे पहले आप इसे धो लें, अदरक को लेकर सबसे पहले आप इसे धो लें। इसके ऊपर से मैल कुचैल मिट्टी जो कुछ भी है वो आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसे साफ़ सुथरे जरासीम से पाक कपड़े से खुश करें और बिल्कुल बारीक बली और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। काट कर आप इसे रोज़ाना धूप में डालें। धूप जब चली जाए आप इसे उठा लें, संभाल लें, अगले दिन फिर धूप में डालें और इसे खुश्क कर लें। ठीक है, ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैदे को भी सेट करती है, मसाने को भी ताकत देती है, और मर्दाना टाइमिंग के लिए बेमिसाल चीज़ है। सस्ती है, मेहनत से बनती है, ख़ुद बनाएं। बाज़ार में जो बनती है वो ऑर्गेनिक सुंड मिलती है आपको, जो आजकल चाइना की आ रही है, ये देसी सुंड है। इसे कहते हैं देसी सुंड। इसे बनाने में मेहनत होती है। ठीक है, आप ये बना लें, और बनाने के बाद जब ये खुश्क हो जाए आप इसका सफ़ूफ बना लें, और सफ़ूफ बना के इसकी आधा आधा चाय वाले चम्मच डाल के पुड़ियाँ बनाकर महफूज कर लें, और हर पुड़ी को अपनी जेब में रखें। रोज़ाना आप जब भी दोपहर का खाना खाएँ और रात का खाना खाएं, तो इसकी जो एक पुड़ी है वो खोल के अपने सालन में डाल के आप इसकी इस्तेमाल करें। ठीक है, कुछ ही दिनों में ये आपकी टाइमिंग को इतना ज़बरदस्त कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान की मर्दाना टाइमिंग जो है वो जिसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, अंदर ताकत ना होने की वजह से, कतरे आने की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है, तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे रابطہ कर सकते हैं। कोई मशवरा लेना हो, मशवरा भी ले सकते हैं। कोई नुस्खा मंगवाना हो तो नुस्खा भी मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।